स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स मेथड के लेक्चर 5 में आज बात करेंगे बिग एम मेथड पार्ट फर्स्ट। बिग एम मेथड भी सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। इसे कब यूज़ करते हैं आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज चार्ल्स पेनाल्टी मेथड। इसे हम चार्ल्स पेनाल्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं। इट्स यूज वेन प्रॉब्लम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिक्सड कॉन्स्ट्रेंट। कहने का मतलब यह है बिग एम मैथड को हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा कॉन्स्ट्रेंट मिक्सड फॉर्म में हो। मिक्सड फॉर्म का मतलब है कि कोई कॉन्स्ट्रेंट लेस आर इक्वल हो, कोई ग्रेटर आर इक्वल हो या कोई इक्वल हो, इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट जब होते हैं तो हम बिग एम मैथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए इसके स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब जो हमारा एलपीपी दिया रहेगा पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद असाइन द लार्ज नेगेटिव प्राइज माइनस एम टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल। मतलब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, a2, a3 ऐड करते हैं उसके प्लेस पर हम जो है उसका कोफिशियंट माइनस एम रखते हैं और माइनस एम को लार्ज प्राइज होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम है तो माइनस एम लगाते हैं, अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव है फंक्शन है तो प्लस एम लगाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ। यूज सिंप्लेक्स प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं सिंप्लेक्स प्रोसेस को यूज़ करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं उसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने कुछ स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिख रहा है सॉरी गिवन एलपीपी मैक्स जेड इक्वल टू माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू सब्जेक्ट टू 3x1 + x2 = 3 4x1 + 3x2 > 6 x1 + 2x2 < 4 एंड x1, x2 > 0। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखिए। तो मैक्स जेड इक्वल टू, चूँकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड में दिया गया है तो हम सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। मैक्स जेड इक्वल टू -2x1 - x2 लिख दिया। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को चेंज करेंगे तो पहला हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है 3x1 + x2 = 3 तो 3x1 + x2 इक्वल वाले कॉन्स्टेंट के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ऐड करते हैं इक्वल टू 3 हो गया। अगला है 4x1 + 3x2 अब यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे -s1 और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं +a2 = 6। थर्ड कांस्टेंट है x1 + 2x2 > 4 x1 + x2 और इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे +s2 = 4 एंड x1, x2, s1, a1, a2 > 0 जहाँ पे x1, x2 नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, s1, s2 को बेसिक वेरिएबल बोलते हैं और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है a1 और a2। ठीक है, अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये आपका बेसिक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। बेसिक वेरिएबल को जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं, बेसिक वेरिएबल को जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे तो +0s1 + 0s2 और आर्टिफिशियल वेरिएबल को -m a1 - m a2 के साथ ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए हम टेबल फर्स्ट की बात करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड के टेबल फर्स्ट की बात करते हैं हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड के टेबल फर्स्ट की बात करते हैं ठीक है, आइए देखते हैं टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट में स्टूडेंट हम इतने कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीजे, यहाँ लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, इसमें लिखेंगे एक्स बी, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज हुआ है x1, x2, s1, s2, a1, a2 और इसके ऊपर सीजे कोफिशियंट -2 - 1 - 0 - 0 - m - m लिख दिया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 लेंगे, सेकेंड इक्वेशन से a2 लेंगे। ये ध्यान रखना अगर हमारा s1 और a2 है तो हम a1, a2 या a3 को पहले लेते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जिस इक्वेशन में ऐड हुआ है उसे ही लेते हैं हम बेसिक वेरिएबल में। और यहाँ पे क्या है s2 तो यहाँ लिख दिया हमने s2 ले लिया।
अब देखो एस टू का कोफिशेंट जीरो है तो एस टू के सामने जीरो लिख दिया, ए वन ए टू का माइनस एम है तो माइनस एम लिख दिया, और पहले इक्वेशन का राइट साइड है थ्री तो यहाँ लिख दिया थ्री एक्स बी में, दूसरे इक्वेशन है सिक्स तो लिख दिया सिक्स, तीसरा है फोर लिख दिया फोर। अब फर्स्ट रो में पहले रो का कोफिशियंट एक्स वन का कोफिशियंट थ्री है तो थ्री लिख दिया, एक्स टू कोफिशियंट वन है वन लिख दिया, एस वन एस टू नहीं है इसमें तो एस वन एस टू की जगह जीरो लिख दिया, ए वन का कोफिशियंट वन है तो वन लिख दिया, ए टू नहीं है तो जीरो लिख दिया। सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन से भरेंगे फोर थ्री फोर थ्री, और एक्स वन का माइनस वन तो माइनस वन, एक्स टू नहीं है जीरो, ए वन नहीं है यहाँ पे जीरो, ए टू है उसका वन। अब थर्ड इक्वेशन में वन टू तो वन टू लिख दिया, इसमें एस वन नहीं है तो एस वन के नीचे जीरो, एस टू का वन है तो वन लिख दिया, ए वन ए टू इसमें नहीं है तो जीरो जीरो लिख दिया। ये आपका टेबल हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इसका जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे का फॉर्मूला होता है सी जे मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी, तो माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई फोर। जिसका जीरो रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसे अभी आप इग्नोर रखिए, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो माइनस थ्री एम माइनस सिक्स एम माइनस नाइन एम हो जाएगा। माइनस अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में करेंगे, माइनस थ्री एम माइनस फोर एम तो माइनस सेवन एम हो जाएगा, माइनस एम माइनस थ्री एम तो माइनस फोर एम हो जाएगा। इसका जीरो हुआ, इसका माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, इनका सारे का जीरो हो जाएगा, इसमें माइनस एम माइनस एम हो जाएगा, और इसका माइनस एम का वन में करेंगे तो माइनस एम हो जाएगा। अब डेल्टा जे निकालेंगे, डेल्टा जे का फार्मूला होता है जेड जे माइनस सी जे, तो माइनस सेवन एम माइनस माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू माइनस सेवन एम हो जाएगा, माइनस फोर एम माइनस ऑफ माइनस वन तो माइनस वन प्लस हो जाएगा प्लस वन माइनस फोर एम, एम माइनस ज़ीरो तो एम, जीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, माइनस एम माइनस ऑफ माइनस एम ज़ीरो, माइनस एम माइनस ऑफ माइनस एम ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, अब इसमें नॉन नेगेटिव टर्म दो हैं, एक है टू माइनस सेवन एम एक है वन माइनस फोर एम, ग्रेटर कौन सा है माइनस सेवन एम। एम वाला कोफिशियंट जो ग्रेटर होगा वहीं से इन करेंगे, तो हम इसे यहाँ से इन करेंगे तो ये आपका हो गया की कॉलम, इसका मतलब हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया एक्स वन। अब निकालेंगे रेशियो, रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्स बी माइनस की कॉलम, थ्री एक्स बी डिवाइड बाई की कॉलम, तो थ्री डिवाइड बाई थ्री वन आ गया, सिक्स डिवाइड बाई फोर थ्री पॉइंट टू आ गया, फोर डिवाइड बाई वन फोर आ गया, मिनिमम वैल्यू वन है तो वन से आउट करेंगे, आउट गोइंग वेक्टर होगा, इसको हम क्या बना देंगे, इसे भी सर्कल बना देंगे। ठीक है, आउट गोइंग वैक्टर हमारा ए टू हो गया, ए टू आउट हो रहा है, उसके प्लेस पर एक्स वन आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टेबल में आएंगे, टेबल नंबर टू देखिए स्टूडेंट, बेसिक वेरिएबल में ए वन आउट हो गया, इसके प्लेस पर एक्स वन आ गया तो एक्स वन लिख दिया, बाकी ए टू वही है पुराना और एस टू भी पुराना ही है। एक्स वन का कोफिशियंट क्या है माइनस टू तो माइनस टू लिख दिया, और ए टू का कोफिशियंट माइनस एम है, एस टू का ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करें, सबसे पहले हमारा जो आउट गोइंग वैक्टर है, आउट गोइंग वैक्टर वाले रो को पहले फिल करते हैं, तो इसके की कॉलम से पूरे रो में डिवाइड करेंगे, तो थ्री से पूरे रो में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन अपॉन थ्री आएगा, जीरो जीरो वन अपॉन थ्री। ए वन यहाँ से आउट हो रहा है तो ए वन को हम अगले टेबल में, ये देखो हमने ए वन नहीं लिखा है। अब जब हमने तीन से मल्टीप्लाई करके लिखा तो वन 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 अपॉन थ्री जीरो 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 आ गया। अब हमें आर टू और आर थ्री को फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे देखिए आप, इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट टेबल टू में R2 इक्वल टू R2 माइनस, अब हम देखेंगे पिछले वाले टेबल में R2 में की कॉलम का कोफिशियंट क्या है 4, तो 4 माइनस R1 न्यू वाला। अब R2 को हम कॉपी कर लेंगे, R2 आपका क्या था देखो 6 4 3 माइनस 1 0 0 और 1, तो 6 4 3 माइनस 1 0 और 1। अब हम न्यू कॉलम जो हमारा आया है, न्यू रो जो आया है उसमें हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यू रो आपका ये है फोर वन 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 अपॉन थ्री जीरो जीरो जीरो, इसमें फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा फोर 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 अपॉन थ्री जीरो जीरो जीरो। अब हम माइनस करेंगे तो सिक्स में से फोर जाएगा टू बचेगा, फोर में से फोर जाएगा जीरो बचेगा, थ्री में से फोर अपॉन थ्री जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में से फोर गया फाइव अपॉन थ्री, माइनस वन में जीरो जाएगा माइनस वन, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, वन में जीरो जाएगा वन, क्या आ गया टू जीरो फाइव अपॉन थ्री माइनस वन जीरो वन। तो हम लिख दिया टू जीरो फाइव अपॉन थ्री माइनस वन जीरो वन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें R2 R3 को जो है
R3 वाले रो को फिल करना है, तो उसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट R3 इक्वल टू R3 माइनस पहले वाले कॉलम में R3 का कोफिशियंट क्या है 1, तो लिखेंगे 1 तो लिखा नहीं जाता, तो माइनस R1 न्यू रो। तो पहले R3 को कॉमन कर ले, कॉपी कर लेंगे। R3 क्या है 412010 लिख लिया, 412010 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा जो न्यू कॉलम है उसे कॉपी कर लेंगे 111/3000 111/3000 कर लिया। अब माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1/3 जाएगा 5/3 आएगा, 0 में 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, आ गया 305.3010 305.3010। अब हमें निकालना है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है ZJ कैसे होगा, CJ माइनस XB। ये जीरो वाला मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा नहीं, सिर्फ हम नॉन जो जीरो हैं उसी का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो माइनस टू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस टू, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस टू एम, तो आएगा -2 -2m। इसका मल्टीप्लाई अब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस टू का करेंगे 2 में, तो क्या आ जाएगा माइनस टू, बाकी इसका जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, इसका जीरो में करेंगे जीरो आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में तो -2/3 हो जाएगा, माइनस एम का 5/3 में करेंगे तो आ जाएगा -2/3 -m -5/3m। माइनस टू का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस एम का मल्टीप्लाई वन में करें माइनस वन में करेंगे तो एम आ जाएगा। अगले का दोनों जीरो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस एम का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस एम आ जाएगा। अब हमें डेल्टा जे निकालना है, डेल्टा जे का फार्मूला होता है ZJ - CJ, तो -2/-2 जीरो आ जाएगा, -2/3 -5/3m में -1 को माइनस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1 -5m/3 आ जाएगा, m -0 m आ जाएगा, 0 -0 0 आ जाएगा, -m -m 0 आ जाएगा। नेगेटिव टर्म सिर्फ एक बचा है तो यहाँ से इन करेंगे तो हमारा ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। अगले कॉलम टेबल में x2 इनकमिंग वेक्टर रहेगा। अब हम रेशियो निकालेंगे 1/1/3 सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, 2/5/3 सॉल्व करेंगे 6.5 आ जाएगा, 3/5/3 सॉल्व करेंगे 9/5 आ जाएगा। सबसे छोटा आपका आपका 6/5 है तो ये आपका आउट होगा, ये हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। आपका अगले कॉलम में A2 आउट हो रहा है। अब अगले कॉलम की बात, अगले टेबल की बात करेंगे स्टूडेंट। आइए अगले टेबल की बात करते हैं, टेबल 3। इसमें बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। अब यहाँ पे X1 X2 S1 S2, A1 भी आउट हो चुका है, A2 भी आउट हो चुका है, इसे आउट कर देंगे। और S1 का कोफिशिएंट लिख दिया, X2 का कोफिशिएंट लिख दिया, S1 का कोफिशिएंट लिख दिया, X2 का कोफिशिएंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करोगे, यहाँ पे X1 था ही, अब हमारे पिछले वाले टेबल में देखो X2 इनकमिंग हो रहा है, A2 की जगह X2 आ रहा है, तो A2 की जगह हमने X2 लिख दिया, ठीक है। A2 की जगह हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, हमने X2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, और S2 अभी अपने जगह पे है, तो X1 का कोफिशियंट है -2 -2 लिख दिया, X2 का कोफिशियंट है -1 -1 लिख दिया, S2 का 0 है 0 लिख दिया। अब सबसे पहले हमारा देखो A2 सेकेंड रो जो है आउट हो रहा है, तो सेकेंड रो को फिल करेंगे। उसको फिल करने के लिए 5/3 से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट में, इसका मतलब 3/5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जब सब में हम 5/3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6/5 0 1 -1/-3/5 और 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे R1। अब पहले हम R1 फर्स्ट रो को फिल निकालना है और थर्ड रो को निकालना है। टेबल 3 में R1 निकालेंगे, तो R1 का फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट R1 - अब देखना है पिछले वाले में R1 का कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो R1 - 1/3 R2 न्यू टेबल का। पहले R1 को कॉपी कर लेंगे, R1 था स्टूडेंट पिछले वाले टेबल नंबर 2 में 1 1 1/3 0 0। अब न्यू R2 जो आया है हमारा 6/5 0 1 -3/5 0, इसमें हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 2/5 0 1/3 -1/5 0। अब माइनस करेंगे 1 में 2/5 -3/5 आ जाएगा, 1 में 0 -1 आ जाएगा, 1/3 में 1/3 -0 जीरो आएगा, 0 में -1/5 -1 तो प्लस हो जाएगा 1/5, 0 में 0 -1 जीरो आ जाएगा। तो हमारा आ गया फर्स्ट रो 3/5 1 0 1/5 0। अब R3 निकालेंगे स्टूडेंट, R3 का फार्मूला हो जाएगा R3 - R3 tends to R3 - पिछले वाले टेबल में R3 का कोफिशियंट की कॉलम का कोफिशियंट क्या है 5/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/3 R2 न्यू। पहले तो टेबल नंबर 2 में
R3 को कॉपी कर लेंगे जो जो है 305.301। अब जो न्यू हमारा टेबल आया है, न्यू रो आया था R2 6.501 - 3.50, इसमें 5.3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा 205.3 - 10। अब हम माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 5.3 में 5.3 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में माइनस 1 करेंगे प्लस 1 आएगा, 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो आ गया 10011। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ लिख दिया थर्ड रो में 10011। अब निकालेंगे हम ZJ निकालेंगे तो CJ माइनस XB होता है, तो -2 × 3.5 + -1 × 6.5 सॉल्व करेंगे तो -12.5 आ जाएगा, -2 × 1 - 2 और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 तो आएगा -2, -2 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, -1 × 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, -2 × 1.5 में करेंगे -2.5, -1 × 3.5 में करेंगे +3.5 सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा, -2 × 0 में 0 आएगा, -1 × 0 में 0 आएगा, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अब हमें निकालना डेल्टा जे, डेल्टा जे निकालने का फॉर्मूला है ZJ - CJ, तो -2 - −2 0 आ जाएगा, -1 - −1 0 आ जाएगा, 1.5 - 0 1.5, 0 - 0 0। अब देखो इसमें सारे एलिमेंट या तो 0 हैं या तो पॉजिटिव हैं, तो लिखेंगे यहीं पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0, हैंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेंड। ऑप्टिमल सोल्यूशन इज मैक्स जेड इक्वल टू -12.5 आया है, x1 = 3.5 आया है, x2 = 6.5 आया है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए होमवर्क की बात करते हैं। अब आपके सामने स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करना है। आपको आज हमने डिस्कस किया बिग एम मेथड के पार्ट फर्स्ट में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ बिग एम मेथड। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में लेके आएंगे बिग एम मेथड का ही मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।